नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे साथी करण मुदगल साहब लिखते हैं, सर अगर कोई एलपी अपने हेडक्वार्टर पर ड्यूटी से पहले अगर कोल्ड ड्रिंक पी ले फैमिली सेलिब्रेशन के लिए, जैसे माजा, फ्रूटी और पेप्सी, थम्सअप वगैरह वगैरह, तो क्या लॉबी में साइन ऑन करते समय ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पकड़ा गया तो क्या होगा, प्लीज समझाए। तो मैं इसके बारे में विस्तार से आपको समझा देता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक लिंक खबरी ऐप का और भी डाला है। वो मेरी डॉटर जो है वो डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स बताती है। तो आप उस खबरी ऐप को जाके फॉलो कीजिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। आइए और इस वीडियो का विस्तार से मैं बताता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। हाँ, तो हमारे साथी करण मुदगल साहब पूछ रहे हैं कि ड्यूटी जाने से पहले हम फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए कोई फ्रूटी है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसा कुछ पी लें, और जब ब्रीथ एनालाइजर में पॉजिटिव आ जावे तो क्या होगा। देखो, हमेशा ध्यान रखो, ड्यूटी पे अगर आपका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हुआ और उसमें पॉजिटिव आया, तो वहां ये कोई नहीं देखता है कि तुमने कोल्ड ड्रिंक पिया, फ्रूटी पिया, माजा पिया, सोडा पिया, ये कोई नहीं देखता है। वहां तो पॉजिटिव आया मतलब आया, फिर आप एक अपराधी की तरह ट्रीट हो जाते हैं। फिर आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल में, पकड़ के आपका खून निकालेंगे, खून को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, और कभी कभी तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाता है। फिर उसका रिपोर्ट आ जाता है, अगर पॉजिटिव तो आपको दोषी करार दिया जाता है और नियमानुसार उसकी जो सजा होती है वो दी जाती है। कभी कभी ऐसे केस भी हुए हैं जो बेचारा चाय तक नहीं पीता, एल्कोहल तो क्या पिएगा, उसका भी कभी कभी गलती के कारण आ जाता है। फिर इसकी इंक्वायरी होती है, मशीन की जांच होती है, लेकिन आदमी उसमें परेशान परेशान हो जाता है। तो इसलिए जब नहीं पीता तो भी ऐसा परेशान हो जाता है, तो ड्यूटी से जाने से पहले कभी भी किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक कम से कम 2-3 घंटे पहले नहीं, जब कॉल आ गया तब तो बिल्कुल नहीं पिए। कॉल आ गया आपका, कम से कम 2 घंटे पहले कॉल आता है, तो कॉल मिल गया या आपका कॉल नहीं आता और शेड्यूल में आपको जाना है कि भाई इतनी बजे मुझे जाना है, कम से कम 2 घंटे पहले तो किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, माजा वगैरह ये नहीं पीना चाहिए, जिसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी बहुत भी होती हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आएगा तो फिर वहां कोई नहीं देखता है, और क्योंकि कौन हाथ डालेगा उसमें बचाने के लिए, कौन हाथ डालेगा, आप तो जानते ही हैं काम कैसे होता है वो। इसलिए अपने को इस बातों से सावधान रहना चाहिए और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने पूछा था, अब उसके नियम जो है, उस पूरी नियम अलग बने हुए हैं कि इतना परसेंटेज पे ये फलाना ढीकड़ान वगैरह, वो सब फिर इंक्वायरी होती है ना, चलता रहता है। लेकिन उस समय एट ए टाइम तो आदमी को एकदम शौक लगता नहीं, यार मैं तो कोई दारू पीता नहीं हूँ, एल्कोहल लेता नहीं हूँ, ये क्या पॉजिटिव आ गया, ऐसा शौक लगता है। आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, उसका परिवार भी परेशान हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजें पीने की नहीं, अपने को पीने हैं ये, तो फिर ऑफ ड्यूटी करके जब घर आते हैं ना तब एंजॉय करो, पी लो, कोई बात नहीं। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जो भी पीना है वो आप पी सकते हो। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पीना ही नहीं है, वो तो एकदम बेकार चीज है, उसको तो पीना ही नहीं चाहिए। और बस इस प्रकार आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं ऐसी बातों से दूर रह के, क्योंकि रनिंग में ये थोड़ा सा कठोर नियम है इसके बारे में। इसके लिए और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाए चैनल में, और जो भी वीडियो देखना हो मोटिवेशनल वगैरह जो वीडियो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखिए आप। और ऑडियो देखने के लिए खबरी ऐप पे जाइए, खबरी ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और दोस्तों, कोई भी सिस्टम में कोई भी काम आपको गलत दिखता है तो आपको खुद को आगे बढ़ के उसको सुधारने के लिए आगे आना होगा, तो और भी लोग आपके पीछे आएंगे। आप सोचते हैं कि वो करे वो करे वो करे, वो कोई नहीं करेगा, वो आपको ही करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। काम पर जाते समय हमेशा खुश होकर जाइए, शिकायत करते हुए लटकता हुए ऐसे करके मत जाइए, प्रसन्न मुद्रा से जाइए। हाँ, कोई तकलीफ है तो उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस हिसाब से लिखा पढ़ी कीजिए और कीजिए, ठीक है। जय श्री राम।